सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल साइन विद ग्रेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो इज गोइंग टू बी अ क्रॉप टॉप हॉल फ्रॉम फ्लिपकार्ट। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्लिपकार्ट के क्रॉप टॉप हॉल को। ये सारे टॉप जो भी मैंने पिक किए हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हैं और अफोर्डेबल भी हैं एट द सेम टाइम। सो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टॉप्स को देखते हैं। पहला टॉप मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है वो लेपर्ड प्रिंट का टॉप। गाइस, मुझे ये टॉप काफ़ी पसंद आया, आई होप आपको भी पसंद आएगा। इसका फैब्रिक ऐसे वेलवेट जैसा लुक दे रहा है, वेलवेट जैसा फैब्रिक लग रहा है, लेकिन इसका लुक कमाल का है गाइस। अगर आप इसे फ्लेयर्ड जींस के साथ या स्किनी ब्लैक जींस के साथ भी पहनते हैं तो बहुत ऑसम लगता है। ये लेपर्ड प्रिंट वाले टॉप मुझे वैसे भी पसंद आते हैं। इसमें साइड में ऐसे दो स्ट्रिंग दे रखे हैं, इसे आप ऐसे खींचेंगे तो एक पैटर्न बन जाएगा। अभी आप देखिए, इसे आप ब्लाउज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो। ट्राई ऑन में आप इजली समझ पाएंगे कि ये टॉप कैसा लगता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इस टॉप को परचेज करने से 2-in-1 काम होगा। एक तो टॉप की तरह आप जेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं और दूसरा ब्लाउज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। टॉप मुझे काफ़ी पसंद है। बात करते हैं इसकी ओरिजिनल MRP, तो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने जिस MRP में इसे परचेज किया है वो 299 है। अगर मुझे सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने 300 से ज़्यादा तो इसके लिए नहीं दिया है। मैं स्क्रीन पे प्राइस मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ आसानी से देख सकते हैं कि ये कितने का है। ये मुझे बहुत पसंद है, इसमें मेरी साइज मीडियम है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉप की ओर। तो फ्रेंड्स, ये जो दूसरा टॉप है, सॉरी गाइस, मैंने इसे ट्राई ऑन के समय पर ऐसे उल्टा ही रख दिया। मैं इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये टॉप भी आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। ये इसका आगे का लुक है, पीछे का लुक ये है। जब आप इसे प्रॉपर वियर करेंगे ना तो ये एक स्क्वायर नेक जैसा पैटर्न देता है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। यहाँ पे ऐसे बलून स्लीव्स बनती है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये टॉप को भी आप इजली यूज़ कर सकते हैं साड़ी के साथ भी। ये स्टेन टाइप का फैब्रिक इसका है, बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है, रात में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसे भी आप ब्लाउज की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी फ्रेंड मैंने 300 से ज़्यादा तो पे नहीं किया है। मैं स्क्रीन पे प्राइस मेंशन करूँगी। बहुत ही कमाल का टॉप लगा, मुझे तो बेहद पसंद आया। इसमें और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है, आप फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, बट मुझे ये कलर इसमें काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैंने ये परचेज किया है। और ट्राई ऑन में आप इजली समझ पाएंगे कि ये कैसा लगता है। सो ये था मेरा सेकेंड टॉप। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉप की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा तीसरा टॉप है ये ऑर्गेंजा वाला टॉप है। आप जानते होंगे ऑर्गेंजा फैब्रिक वाले टॉप कितने ज़्यादा ट्रेंड में हैं। मेरे पास तो एक भी ऐसा टॉप नहीं था, इसलिए मैंने इसे परचेज किया है। इसके अंदर इनर के लिए आपको ये रिसीव होता है, जिसमें आप अंदर इनर के लिए इसको पहन सकते, पहनना ज़रूरी है, पहन सकते नहीं पहनना तो पड़ेगा ही, वरना पूरा ट्रांसपेरेंट सब कुछ दिखने लगेगा। तो इसे आप इनर की तरह पहन सकते हैं। उसके ऊपर से ये टॉप बनता है पहनने के लिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसे साइड में बटन की डिटेलिंग दे रखी है, अगर आप देख पा रहे हैं तो दूसरे साइड में भी बटन्स दे रखे हैं। जब आप इस बटन को क्लोज करेंगे ना फ्रेंड्स, तो इसका असली लुक आएगा। बहुत ज़्यादा पफी स्लीव बनता है ऐसे आम से, बहुत ही क्लासी लुक देता है। और यहाँ पे ये जो बांधने के लिए टाई अप करने के लिए दिया है, इससे आप बो की डिज़ाइनिंग क्रिएट करेंगे तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप ट्राई ऑन में देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे ये वाला पसंद आया। एक्चुअली मुझे इसमें लैवेंडर कलर परचेज करना था, लेकिन लैवेंडर उनके पास था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना यही परचेज कर लूँ। इसके लिए भी मैंने 300 से ज़्यादा पे नहीं किया, इसलिए मुझे काफ़ी स्टील डील लगी इस प्राइस में। अगर मुझे ऐसे टॉप रिसीव हो रहे हैं तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मेरा साइज़ इसमें मीडियम है, काफ़ी अच्छा लगा। ट्राई ऑन में आप ज़्यादा समझ पा रहे होंगे कि पहनने के बाद ये कैसा लगता है, लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत टॉप है। इस पर मैंने 2-3 रील्स भी अपने YouTube पे पोस्ट किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ट्राई ऑन तो मैं लगाऊंगी ही। तो ये था मेरा तीसरा टॉप। अब बढ़ते हैं चौथे टॉप की तरफ। सॉरी फ्रेंड्स, सारे टॉप मैंने उल्टे ही कर दिए। एक्चुअली ट्राई ऑन के टाइम पे मैंने यूज़ किया था सब, तो ऐसे ही छोड़ दिया है। ये जो टॉप आप देख रहे हैं ये भी
समर्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं, ऐसे फ्लोरल टॉप काफ़ी पसंद आते हैं मुझे तो, आई होप आप लोग को भी पसंद आएंगे। ये भी पूरा क्रॉप टॉप है, काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ पे जो इसका पफी स्लीव्स है ये इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। जब आप इसे पहनेंगे तो ये आसानी से आपके ये जो हथेली है इस पर फिट हो जाएगी, कलाई पे, सॉरी हथेली नहीं कलाई पे फिट हो जाएगी। फिर ये जो पफ स्लीव का लुक देगा ना, कमाल का लुक लगता है वो। इसमें भी कलर ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, लेकिन मुझे समर के लिए ये कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि समर में ऐसे फ्लोरल वाइब्स वाले टॉप काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसे भी आप क्रॉप टॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं, साड़ी क्रॉप टॉप तो ये है ही, साड़ी के लिए अंदर ब्लाउज के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा ये टॉप पसंद है, इसमें भी मेरी साइज मीडियम है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैंने इसके लिए आई थिंक 450 पे किया है, हाँ शायद 450 ही पे किया है। मैं स्क्रीन पे प्राइस मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये टॉप भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने 4 टॉप आपके साथ शो किए हैं, आई गेस आपको भी ये टॉप पसंद आया हो। कमेंट में बिल्कुल मत बताना भूलिएगा फ्रेंड्स कि आपके लिए कौन सा टॉप आपका फेवरेट रहा इन 4 टॉप्स में से। और अगर कोई सा भी टॉप आपको पसंद आ रहा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ईजिली से परचेज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कॉमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।